पन्ना जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। पहले मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया, इसके बाद अस्पताल तिराहा में चक्का जाम किया और कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे 39 पर पहुंच गए, जहां खाली ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर सैकड़ों लोगों ने चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते सतना और छतरपुर मार्ग से आने जाने वाले वाहनों के पहिए थम गए। प्रदर्शनकारी ड्यूटी डॉक्टर को हटाने की और FIR की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही एडिशनल SP आरती सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानने को तैयार थे और कलेक्टर को मौके पर आकर सुनवाई के लिए अड़ी रही। कड़ी मशक्कत के बाद समझाइश के बाद मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम गठित की, तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारियों ने जाम को खोला। यादव निवासी मोहनराज निवास उम्र 18 साल की मृत्यु कल सल्फास पॉइजनिंग के खाने के कारण हुई थी। चूँकि उसको प्राथमिक उपचार के उपरांत रीवा के लिए रेफर किया गया था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि परिजनों का आरोप था कि यहाँ पे उनका समुचित इलाज नहीं हुआ और जो सिलेंडर भेजा गया था वो रास्ते में खाली हो गया, इसके कारण मृत्यु हुई है। इसी के आक्रोश में इनके द्वारा यहाँ मौके पर डायमंड चौराहे पर चक्का जाम की गई थी। कारण से चक्का जाम किया गया, ये हमारे समाज का एक लड़का कल किसी कारणवश अस्पताल में भर्ती हुआ और उसको सही ट्रीटमेंट ना मिलके इन्होंने 2 से 5 मिनट के अंदर उसको रेफर रीवा कर दिया, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस होनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन ना होने के कारण रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना क्या थी वो तो बात का विषय है, लेकिन अगर सिलेंडर में गैस बाकी ख़त्म होगी तो एक चिंतनीय विषय है। तो उसी उपलक्ष्य में आज उसी तात्पर्य में ये चक्का जाम हम लोगों ने किया था, जिसमें कलेक्टर साहब से रेस्क्यू साहब से बात होने के बाद आश्वासन मिलने के बाद हम लोग ने ये चक्का जाम खत्म कर दिया है और हम लोग को प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। मोहन निवास ग्राम का एक बच्चा था, यादव समाज का एक ही बेटा था, उसने दवा का सेवन किया। हम लोग जिला अस्पताल लेके पहुँचे, जिला अस्पताल में भर्ती किया 7:55 पे, और 7:57 पे उसको रेफर कर दिया रीवा के लिए। उपचार नहीं किया, प्राथमिक उपचार तो कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात, जो सिलेंडर लगाया वो रास्ते में ख़त्म हो गया सकरिया के पास, 15 मिनट में बच्चे की जान चली गई, एक ही बेटा था। इस तरह की अनियमितताएं जिले में हो रही हैं, इन डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए और इनको सस्पेंड होना चाहिए, ये हम शासन से मांग करते हैं।